या फ्राइड करी हुई चीजें ज्यादा गया हुआ है तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए ज्यादा एसिड चाहिए होता है। अगर आपने नेचुरल चीजें ज्यादा खाया हुआ है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स और सैलेड ज्यादा ले रखा है तो उसको पचाने के लिए ज्यादा एसिड की जरूरत नहीं होती। तो आपको क्या करना है कि एसिडिटी का प्रॉब्लम ना बने उसको मेक श्योर करने के लिए एक तो वैरायटी कम करना है एक टाइम में, खास करके दो तरह के प्रोटीन तो बिल्कुल भी नहीं लेना। जैसे अगर दाल लिया है तो उसमें आप दूध वाले चीजें नहीं लेंगे, दाल लिया है तो नॉनवेज वाले चीजें नहीं लेंगे, या दूध लिया है तो नॉनवेज वाले चीजें नहीं लेंगे। अगर ऐसे मल्टीपल प्रोटीन एक साथ लेंगे तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम होने का संभावना बढ़ेगा। मिक्स नहीं करना एक टाइम। हाँ, अगर किसी को ऑलरेडी लेते हैं प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे शरीर में ना स्पेयर कैपेसिटी है, नेचर ने दिया हुआ है, वो मैनेज कर रहा है। लेकिन एक बार प्रॉब्लम शुरू हो गया तो ये ठीक नहीं होएगा जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक चीज ये करना है। दूसरा क्या करना है, जब खाना खाते हैं तो खाने का पोर्शन थोड़ा सा कंट्रोल करनी है, यानी कि खाना बिल्कुल ऊपर तक भर करके नहीं खाना, थोड़ा सा कंट्रोल करनी है। मतलब लगभग 50% सॉलिड फूड से भरना है, लगभग 25% लिक्विड जैसे दाल सूप वगैरह इस तरीके के चीजों से, और कम से कम 25% करीब एम्प्टी रखनी है, यानी कि थोड़ा भूख रहते ही खाना कंट्रोल करनी है, इतना सेल्फ कंट्रोल डेवलप करनी है, तो एसिडिटी को हम ठीक कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर बाय चांस ऑलरेडी हो चुका हो तो क्या करना है, एवरी डे खाना खाने के बाद एक चम्मच सौंफ लेना शुरू करिए। सौंफ जो खाना खाने के बाद अक्सर खाया जाता है ना, एवरी डे एक चम्मच सौंफ लेना शुरू करिए। हर बार जब प्रॉपर खाना खाते हैं, सुबह दिन को शाम को लगातार कुछ दिन करेंगे, एक हफ्ता भी, तो भी एसिडिटी अपने आप ठीक हो जाए। ठीक है, ये बहुत इजी सॉल्यूशन है, इसमें कोई ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, और ये 100% फ्रीजर दे सकता है। सौंफ के साथ मिश्री मिक्स कर दो, थोड़ा बहुत मिश्री हाई कैलोरी है तो क्वांटिटी कंट्रोल करनी है। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी कैलोरी है, अगर ये चीजें ज्यादा जाएगा तो नुकसान करेगा, थोड़ा बहुत करेंगे तो ये अच्छा है, कोई नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरा गुड़, ये भी अच्छा है एसिडिटी को नॉर्मलाइज करने के लिए, तो आप ये भी ले सकते हैं। और दो चीजें मैंने बोला कि आपको खाना पोर्शन कंट्रोल करना है, बहुत भर के नहीं खाना है, वेराइटीज बहुत सारे नहीं करना है, थोड़ा कंट्रोल करनी है, और ये दो सॉल्यूशंस फॉलो करेंगे तो आप एसिडिटी को क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये गैस्ट्रिक